हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है आरकेज एट थ्री ग्रुप। आरकेज आपके लिए लगातार एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेके चलता रहता है हमारा चैनल। और हम ये कोशिश करते हैं कि आपको एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेकर आते रहें जो आपकी नॉलेज बढ़ाएं, आपको इस फील्ड में आने से पहले वो महत्वपूर्ण जानकारियां दें जो आपके काम की। मैं आज इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, वो टॉपिक है ऑडिशन मॉक शूट क्या होता है, मॉक शूट कब होता है, ये क्या होता है और किस एक्टर को कैसे काम मिलता है इसके जरिए, और क्या इसके लिए कोई पेमेंट देनी होती है या मिलती है। तो यहां पर सबसे पहले जो मैं आपके साथ बात करने वाला, मॉक टेस्ट क्या है। दोस्तों, मॉक टेस्ट कह लीजिए, मॉक शूट कह लीजिए, तो ये प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस आपको शुरू से, जब आप किसी फिल्म के लिए, टीवी एड के लिए या किसी टीवी सीरियल के लिए आप अपना ऑडिशन देते हैं, ऑडिशन देने के बाद आपका लुक टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका मॉक शूट होता है। मॉक शूट उस जगह पर होता है, दो जगह होती है, एक वो जहां पर आपका शूट होना है, जो भी चीज, जिस भी कार्यक्रम या प्रोग्राम के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है वहां पर वो शूट करना है। वहां पर आपको बुलाया जाएगा, सिंगल एक्टर भी हो सकते हैं या फिर दो से तीन एक्टर भी हो सकते हैं, और ये लाइव लोकेशन पर हो सकता है, और एक जो कह सकते हैं कि स्टूडियो होता है उसके अंदर भी सिर्फ ग्रीन स्क्रीन के पीछे भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ये सिर्फ उसके लिए, चीज के लिए होता है कि आपका फाइनल टेक हो जाएगा और इसके बाद हो सकता है कि आपका प्रोमो भी शूट हो जाएगा। तो दोस्तों, और ये एक से दो बार भी हो सकता है। मॉक शूट कब होता है, मैंने आपको बताया कि भाई मॉक शूट जो होता है वो आपका ऑडिशन, स्क्रीन टेस्ट और आपका लुक टेस्ट, इन दो प्रक्रियाओं को पार करने के बाद आपका मॉक टेस्ट होता है, जो कि आपका फाइनल काम होता है कि आप स्क्रीन पर किस तरह के दिखते हैं। जिस भी सीरियल, जिस भी फिल्म या टीवी एड में आप काम करने वाले हैं वहां पर आपका लुक डायरेक्टर को उस हिसाब से दिखने वाला है जो उसकी डिमांड है, उस सीरियल की डिमांड है, प्रोड्यूसर की डिमांड है, प्रोडक्शन की डिमांड है, वो डिमांड आप पूरी कर रहे हैं तो आपका मॉक टेस्ट क्लियर हो जाएगा। मॉक शूट में क्या फाइनल मिलता है काम। दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि जब आपको मॉक टेस्ट के लिए या मॉक शूट के लिए बुलाया जाता है तो आपका काम लगभग फाइनल हो जाता है, लेकिन इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि सबसे पहली चीज, अगर आप सिंगल बुलाए हैं, आप अकेले हैं और आपका मॉक शूट हो रहा है, तो इसका मतलब आप फाइनल है कि भैया इसके बाद आपको काम मिल जाएगा और आपकी गाड़ी निकल पड़ेगी, ये प्रोजेक्ट आपके हाथ में है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब किसी एक टीवी सीरियल की शूटिंग हो रही होती है तो, या एड हो गए, उसके लिए दो से तीन एक्टर्स को बुला लिया जाता है जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, जो भी अपना ऑडिशन देकर पास होते हैं, उसका उनका भी लुक टेस्ट होता है, उनका भी स्क्रीन टेस्ट होता है, और उसके बाद उनको भी फाइनल के लिए, राउंड के लिए, मॉक शूट के लिए बुला लिया जाता है। तो यहां पर आप भी फाइनल के लिए आ जाते हैं। अब इसमें उन दो से तीन या चार एक्टर्स या एक्ट्रेस जो भी होंगी या होंगे, उनको जो है बुलाने के बाद उनका शूट किया जाता है, और जो भी डायरेक्टर को उस प्रोग्राम के लिए या उस सटीक बैठता है उसको वो रख लेता है अपने पास, यानी कि वो फाइनल हो जाता है, उसके एग्रीमेंट सब कुछ तय हो जाता है। तो ये है कि मॉक शूट यहां पर आपके लिए एक संभावनाओं का, कह सकते हैं कि आपके लक के ऊपर भी काम करता है, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत भी इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मेहनती होती है। किन एक्टर या एक्ट्रेस को मिलता है मॉक शूट का मौका, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका काम फाइनल हो गया है, आपने तीनों प्रोसेस पूरे कर लिए हैं, तो उसके बाद आपका मॉक टेस्ट फाइनल हो जाता है, और आपको उसके बाद जो भी टीवी सीरियल हो गया या एड शूट हो गया या फिल्म हो गई वो आपको मिल जाती है, तो आपको यहां से काम मिलना शुरू हो जाता है। तो पेमेंट, बहुत से लोग कहते हैं कि जो मॉक शूट के लिए पेमेंट देनी पड़ती है कि लेनी पड़ती है। देखिये दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपका जो ऑडिशन होता है उसकी कोई फीस नहीं होती है, उसकी कोई पेमेंट आपको नहीं देनी होती है।
चाहे आपका लुक टेस्ट हो, चाहे स्क्रीन टेस्ट हो, चाहे मॉक टेस्ट हो या मॉक शूट हो, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन कई ऐसे फर्जी लोग होते हैं जो ऑडिशन के नाम पर पैसा भी लेते हैं और कई बार डायरेक्ट कॉल करके कहते हैं कि जी आपका, उनको नंबर मिल जाता है कहीं ना कहीं से, और क्योंकि आपका नंबर इतना बट चुका होता है सारे जहान में कि कहीं ना कहीं उन्हें पता लग जाता है भाई स्ट्रगल एक्टर है और इसको इस तरह से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो आपका नंबर ले लेते हैं, फोन करते हैं, भाई आप जो है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, आपका मॉक शूट है, तो आप जो है मॉक शूट के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। तो वो पेमेंट जो है आप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं होता है। जब तक आप ऑडिशन नहीं देंगे तब तक आप क्लियर नहीं माने जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं माने जा सकते कि आपको काम मिल गया है, क्योंकि आपका ना तो ऑडिशन हुआ है, ना आपका स्क्रीन टेस्ट हुआ है, ना आपका लुक टेस्ट हुआ है, और आपका सीधा मॉक शूट हो गया, यह असंभव है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और पेमेंट दूसरी बात है कि मॉक शूट का पेमेंट, मॉक शूट के बाद जब आप फाइनल तौर पर आपको उस सीरियल, उस टीवी सीरियल या एड के लिए या फिल्म के लिए जब आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है मॉक शूट के बाद, तो आपको पेमेंट उसी आधार पर मिलती है जो आपके साथ कास्टिंग टीम कास्टिंग के बाद जो आपका जो प्रोडक्शन हाउस होता है जो इस प्रोग्राम को बना रहा होता है उसके साथ आपकी जो डील हुई होती है पेमेंट को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आपको पर शूट के हिसाब से पैसा दिया जाता है, या फिर टोटली आपको इतने एपिसोड करने पड़ेंगे, इतनी फीस होगी आपकी, तो वो भी एक तय हो जाता है, एग्रीमेंट तय होता है, उस एग्रीमेंट के तहत आपको काम करना पड़ता है। उसमें कई तरह की शर्तें होती हैं जिनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, और कई तरह की बातें होती हैं वो आप पढ़िए, क्योंकि हर एक अभिनेता के लिए ये जरूरी है कि आप जब आप कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ या किसी डायरेक्टर के साथ, तो आप उस चीज को अच्छी तरह से पढ़ लें कि आपके साथ क्या क्या होगा और क्या क्या आपके लिए जरूरी है। दोस्तों एग्जाम्पल जैसे ये देखिए एक वीडियो, छोड़ मुझे, अरे हाथ में तय करने हैं तो राती जा, सुबह क्यों खराब कर रही है मेरी, तेरी नानी नूले जा, चोर आत्महत्या करे तेरे सर की जुए, अभी तो मेरा ब्याह होना है, मैंने लाल जोड़ा पहनना है, पैर में मुकेश वाली जूती डालनी और सर में वो सोने की परांदी डालनी थी, अब कहां से लाऊं मैं ये सब कुछ, कहीं कमाई कुएं में, अगर तुम चौधरी ना बनते ना तो बचा लेने थे मैंने अपने दो रुपए, सारा स्यापा तुम्हारा लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये एक जो मैंने आपके साथ मॉक शूट शेयर किया, ये एक जो है इसमें एक एक्टर और एक्ट्रेस है जो कि ग्रीन पर्दे पर अपना मॉक शूट कर रहे हैं, तो ये जब डायरेक्टर को पसंद आएंगे तो इन दोनों को फाइनल मान लिया जाएगा और इसके बाद इनका एक प्रोमो शूट हो जाएगा जो कि अपकमिंग, जैसे कोई भी सीरियल आने वाला होता है, कोई भी फिल्म आने वाली है, उसकी प्रोमो शूट कर लेते हैं तो उसके लिए वो देख लेते हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि आपको काम मिल जाएगा। तो मॉक शूट ये होता है और इसी प्रक्रिया के तहत आपको काम मिलता है। दोस्तों इंडस्ट्री में एक ऐसा ये ऑडिशन एक ऐसी चीज है जो एक हर अभिनेता को देना पड़ता है, और जब एक बड़ा एक्टर हो जाता है तो उसको फिर स्क्रीन टेस्ट भी बुलाया जाता है और उसके बाद उसका काम चलता रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोस हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे, आर के साथ जरूर आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आता रहेगा।